नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीगी जमात मरकज में किस तरह सरकार और प्रशासन की बातों की अनदेखी की गई, इसे तो पूरे देश ने देखा। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो इससे भी बड़ी। दिल्ली में 36 घंटे चले ऑपरेशन के बाद इस मस्जिद को खाली करवाया गया। यहाँ से 2000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया और लगभग 766 लोगों को अलग अलग अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर में रखा गया। इसमें कुल मिला के 2361 लोगों को वहां से निकाला गया, जिसमें से 617 को हॉस्पिटल ले जाया गया है, बाकी को क्वारंटाइन किया गया है। ये 617 वो लोग हैं जिनमें किसी तरह के बीमारी के खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह के सिम्टम्स हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनकी सघन जांच की जा रही है। उनके सैंपल लेके उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। बाकी सब लोगों को क्वारंटाइन किया गया है अलग अलग सेंटर्स पर। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने पूरे प्रशासन की टीम, अपने सारे मेडिकल टीम्स का, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर DTC की टीम जो लोग इसको लेके गए, पुलिस की टीम जिन्होंने वहाँ पूरे मुस्तैदी से काम किया, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और 36 घंटे में इतने सारे लोगों को बाहर निकाला, जिसमें से बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं ये जानते हुए भी। इस दौर में सबसे ज़्यादा बहादुरी की इसी की ज़रूरत है। और ये सारे लोगों की लिस्ट बना के इनके सबके फ़ोन नंबर्स लेके पुलिस को दे दिए गए हैं। पुलिस की साइबर सेल इनके सबके नंबर्स की जांच करेगी और ये देखेगी कि ये लोग किस किस से मिले हैं, किस किस से मिल रहे हैं, बाकी लोग अभी कहाँ हैं, इनके संपर्क में जो लोग आए थे वो कहाँ हैं। मैं सब लोगों से जो इस आलमी मरकजी पूरे प्रोसेस में यहाँ आए थे मार्च के महीने में, उन सब से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं तुरंत अपने आप को मेडिकल फैसिलिटीज़ को सरेंडर करिए, अपने आप को मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले करिए ताकि आपका ठीक से चेकअप हो सके। आप अगर पुलिस को परेशान करेंगे, अगर आप प्रशासन को परेशान करेंगे और आप खुद आगे नहीं आएंगे, आप अगर बीमार हैं और छुपा के रखेंगे अपने आप को, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की। लेकिन जिन आइसोलेशन सेंटर में जमातियों को रखा गया है वहां वो डॉक्टर और मरीजों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तबलीगी जमात के 167 लोगों को तुगलकाबाद में बने आइसोलेशन सेंटर में रखा है, लेकिन इस आइसोलेशन सेंटर में ये जमाती डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, बल्कि डॉक्टरों के ऊपर बार बार थूक भी रहे हैं। और तो और ये लोग गैर जरूरी चीजों की भी बार बार मांग कर रहे हैं, जबकि ये निजामुद्दीन के मस्जिद में किस हालात में रह रहे थे उसे भी पूरे देश ने देखा है। लेकिन जब इनकी जान बचाई जा रही है तो इनसे इस तरह की हरकत की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। लेकिन धर्म की बातों ने इनके आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी है कि इन्हें हर बात से परेशानी हो रही है। दिल्ली में फिलहाल मामले काफी बढ़ गए और अब हर राज्य में जमात के लोगों को युद्ध स्तर पर ढूंढा जा रहा है। ऐसे में अगर आपके आसपास के मस्जिद में या किसी घर में विदेश से आया कोई या फिर दिल्ली की इस जमात से आया कोई शख्स है, तो फौरन उसकी जानकारी प्रशासन को दें और समाज और देश के काम आए।